ओके, अभी मैं आपके साथ अपने बैंगल कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा बैंगल्स नहीं है, बट जितनी भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे पास टोटल 8 बैंगल्स हैं मलाबार की, जिनका मुझे वेट पता है। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता दूँगी कि ये कुछ अराउंड 7 पॉइंट समथिंग समथिंग ग्राम्स का है एक सिंगल बैंगल। सो ये टोटल 8 बैंगल्स हैं, ये सब पे हॉलमार्क भी है। तो नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, बट ये सारे बैंगल्स पे, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, सभी बैंगल्स पे हॉलमार्क है। और ये 22 कैरेट है। फिर ये मेरी मालाबार की एकदम थिन बैंगल है, ये कुछ 6.5 ग्राम है, बट ये काफ़ी स्टडी है, बेंड नहीं होती है, आप डेली पहन सकते हैं इसको। और आपको इस पे हॉलमार्क दिख रहा होगा, ये भी 22 कैरेट है। फिर ये मेरी एंगल है तनिष्क की, ट्वेंटी टू कैरेट। अभी तनिष्क में सब ज्वेलरी हॉलमार्क वाली ही मिलती है, और उनकी प्योरिटी का कोई इशू नहीं होता। सो ये भी तनिष्क की है मेरी, ये कुछ 22 कैरेट की है। इसका वेट कुछ आई थिंक अराउंड 24 ग्राम्स है। आपको इस पे स्टैम्प दिख रहा होगा, ये काफ़ी हेवी है एक्चुअली। इस पे हॉलमार्क है बट अभी मुझे दिख नहीं रहा, इसमें अंदर की तरफ है। और जो मैंने आपको ये दूसरी बैंगल दिखाई थी, ये कुछ 22 ग्राम की है। और ये है, इसका वेट मुझे नहीं पता क्योंकि ये मुझे मेरी मदर से मिली है। सो ये पर्ल है, और ये हैदराबाद से लिया है। ये 22 कैरेट गोल्ड है, इस पे 22 कैरेट का स्टैम्प है, बट इस पे हॉलमार्क नहीं है। पर तो मैंने ये टेस्ट करवाया है, ये 22 कैरेट है। तो ये मुझे मेरी मदर ने दिया है। बस मेरे पास इतनी बैंगल्स हैं, और मेरा एक ब्रेसलेट है जो मैं हमेशा पहने रहती हूँ, ये 22 कैरेट का है। ये भी वामनहरी, सॉरी ये मालाबार का है, सो सॉरी। इसके ऊपर भी आपको हॉलमार्क दिख रहा होगा कहीं पे, इस पे यहाँ पे कहीं पे है हॉलमार्क, ये देखिए। और एक ये है जो मैं हमेशा पहने रहती हूँ, ये 18 कैरेट का, ये कैरेट लेन से लिया है।